साल 2024 में आप सबका स्वागत है। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल शुरू हो गया है और नए साल पर रात 12 बजे लोगों ने जमकर जश्न मनाया। 12 बजते ही आतिशबाजियां की गई, शहर शहर जश्न मनने लगा, युवक युवतियां डांस करते नजर आए। नए साल का जश्न के साथ स्वागत किया गया। वहीं नए साल पर मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, संगम, हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गंगा समेत प्रमुख नदियों में श्रद्धालु डुबकी लगा रही हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची हुई है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं। वाराणसी में नए साल के मौके पर सुबह सुबह गंगा आरती की गई। वहीं दिल्ली के साई मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी भी लगाई है। नए साल का स्वागत किस तरीके से देश भर में किया गया, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाचते गाते नए साल का स्वागत करते ये लोग नजर आए। उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, देखिए नए साल का आगमन हो गया है। सबसे पहले भी आपको नए साल की शुभकामनाएं, और क्योंकि नए साल का स्वागत एक अजब तरीके से किया गया, डांस करते लोग नजर आए और नए साल का वेलकम करते नजर आए, मंदिरों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए ममता, आपको और तमाम न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को 2024 की शुरुआत के साथ, नववर्ष की शुरुआत के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणपति की आराधना के साथ, उनकी पूजा अर्चना के साथ की जाती है। साल 2024 की शुरुआत हुई है और साल 2024 का पहला दिन है, तो कोटा अपने दिन की शुरुआत भगवान गणपति यानी खड़े गणेश मंदिर, जो कोटा के प्रथम पूजनीय भगवान कहे जाते हैं, और माना जाता है कि कोई भी जब कोटा के अंदर नया काम शुरू करता है तो भगवान खड़े गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ में, उनकी पूजा अर्चना के साथ में करता है। और साल 2024 के पहले दिन की शुरुआत जो तमाम भक्त हैं, तमाम जो लोग हैं, वो खड़े गणेश मंदिर में खड़े गणेश के दर्शन करके, गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करके, उनकी वंदना करके यहाँ पर कर रहे हैं। माना जाता है भगवान गणपति विघ्नहर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं, और मंगल मूर्ति की पूजा के साथ में आप देख सकते हैं कि कोटा, और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर, तमाम जो न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भगवान गणपति के दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान गणपति के दर्शन की शुरू के साथ में जो शुरुआत होती है वो बहुत खास होती है, क्योंकि भगवान गणपति को जाना ही इसलिए जाता है कि वो सभी विघ्नों को दूर करते हैं और नई शुरुआत भगवान गणपति के साथ ही की जाती है। तो साल 2024 की शुरुआत भगवान गणपति की पूजा अर्चना के साथ में फिलहाल कोटा कर रहा है। और तस्वीर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कोटा के ये तमाम लोग जो फिलहाल खड़े गणेश के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं, फूलमाला, प्रसाद, हर कोई अपनी मान्यता के अनुसार अपनी आराधना यहाँ पर भगवान गणपति के दरबार में प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, हम तस्वीरों को लगातार देख रहे हैं, लेकिन उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल भी हमारे साथ है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कपिल, उदयपुर में क्या सुबह सुबह का नजारा है, और सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी ओर से भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर में हूं और आज नए साल का पहला दिन, नई सुबह है, ऐसे में सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को भगवान बोहरा गणेश के दर्शन कराऊंगा। उदयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर जहां के प्रति हजारों लोगों की आस्था है। आप देखिए कि नए साल का पहला श्रृंगार भगवान बोहरा गणेश को कराया जा रहा है। मनमोहक श्रृंगार होगा, मनमोहक मूर्त कुछ देर में आप जो झांकी है वो यहां पर देखने को मिलेगी, और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आप विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो ऐसे में साल की शुरुआत, पहली सुबह की शुरुआत लोग भगवान बोहरा गणेश के दर्शनों के साथ में कर रहे हैं। हालांकि इस समय सूर्योदय भी नहीं हुआ है,
देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया है। तो जैसे जैसे सूरज उदय होगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की संख्या और बढ़ेगी और वे अपने दिन की शुरुआत बोहरा गणेश मंदिर पर आकर भगवान गणेश के सामने मत्था टेकते हुए करेंगे। अभी आप देखिए कि भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, सुबह सुबह मंदिर खुला और उसके बाद में जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका था। लोगों ने अपने दिन की शुरुआत, नए साल 2024 के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने यहां पर भगवान गणेश के दर्शनों के साथ में शुरू कर दी है। ये मनोकामना की जा रही है कि सभी के लिए मंगलकारी हो ये नववर्ष। आप स्वयं के लिए तो ये नववर्ष अच्छा रहे लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मंगलकारी हो। कुछ इसी तरह की मनोकामना लेकर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला मंदिर में लगातार जारी है। देखिए आप, हम हमारे दर्शकों को दर्शन भी करवा रहे हैं कि वे घर बैठे भी भगवान गणेश के दर्शनों के साथ में नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। वे यहाँ नए साल की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शनों के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर पर नववर्ष सभी के लिए आनंदमयी होगा, मंगलकारी होगा, बेहतरीन होगा। तो भक्त यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हम तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और कई भक्त लगातार यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे हैं, दर्शनों का लाभ लेकर भगवान गणेश के सामने मत्था टेकते हुए। ठीक है कपिल, मैं लौटती हूँ आपके पास। जैसलमेर से संवाददाता सावल दान भी इस वक्त हमारे साथ है। सावल दान, आपसे भी हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि किस तरीके से नए साल का स्वागत किया जा रहा है और आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए जैसलमेर में सम के मखमली दौरों में आतिशबाजी के साथ 2024 का आगाज हो गया है। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर का हृदय कहे जाने वाले हनुमान सर्किट पर। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, एक चाय की थड़ी पर हम मौजूद हैं प्रभुटी स्टॉल में। जो पर्यटक है सम और जैसलमेर जो घूम के आए हैं वो चाय की चुस्किया लेने, क्योंकि ठंड का दौर जारी है, कोहरे का दौर जारी, जैसे फिजिबिलिटी में ज़बरदस्त गिराव आई है, गिरावट्स में अलाव का भी लोग सहारा ले रहे हैं, ठंड से राहत पा रहे हैं। जैसलमेर में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, देश प्रदेश के हज़ारों की तादाद में यहाँ पर्यटक पहुँचे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2024 की वेलकम उत्साह के साथ हुआ है, ज़बरदस्त लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से यहाँ बेहतरीन व्यवस्था की गई थी, चप्पे चप्पर पुलिस के जाबाज यहाँ तैनात कर दिए गए थे। लोगों में जैसलमेर में जश्न मनाना, जैसलमेर में नववर्ष का वेलकम करना कई उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई कहाँ से आए, क्या कहोगे, जैसलमेर नववर्ष मनाने आए, क्या कहोगे आप? जैसे हम आए हैं साहब मकराना से जैसलमेर, हम तो अभी आए हैं, हम इधर तनोड़ रहे माता जी के लिए। माहौल अच्छा है, सर्दी ज़्यादा है ऐसे हमारे वहाँ से, इतने यहाँ पे ज़्यादा है, अच्छे माहौल है, बंदे भी अच्छे मिले, बंदे यहाँ का माहौल है ना वो बहुत अच्छा है। हमारे साथ और भी मौजूद है भाई साहब, क्या कहोगे जैसलमेर कुरकुरिया घूमने आए हो, चाय की चुस्की लेने आए, क्या बात है? बहुत बहुत अच्छी चाय मिल रही है और बहुत अच्छी सिटी है जैसलमेर। हम अब यहाँ से हम जाएंगे ठीक है सावल दान, मैं वापस आती हूँ आपके पास। कोटा से कपिल लगातार हमारे साथ, कोटा से हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, लोगों से बातचीत करिए, किस तरीके से वो इस नए साल का स्वागत कर रहे हैं, क्या उनके मन में है, क्योंकि नए साल में नई चुनौतियां आएंगी, नई खुशियां आएंगी और नया सफर शुरू हो रहा है। देखिए कैलेंडर नववर्ष की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर हर कोई नई शुरुआत जब करता है तो उसे खास बनाना चाहता है। तो विघ्नहर्ता के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ में नए साल की जो शुरुआत है, मैंने तस्वीर दिखाई कि कोटा कर रहा है। तो फिलहाल सीधा मैं जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं उनसे बात करके, किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान गणपति के दरबार में हाजिरी लगा करके की जाती है। क्या मनोकामना और 2024 के लिए क्या प्रार्थना गणपति के दरबार में, गणपति के चरणों में? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये देश है हमारा, तो हम सबको इस देश के लिए सोचना चाहिए और सबसे मेरी तुम एक प्रार्थना है कि भारत को इस वर्ष सोने की चिड़िया बना दिया जाए और विश्वगुरु भारत बने, और ऐसा भारत ऐसा पावर सेंटर बने जिसमें पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ ज्ञान के लिए देखे, बस ये प्रार्थना है। चलिए और भी लोगों से जोड़, लोगों के साथ में जोड़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। भाऊ जी, 2024 की शुरुआत भगवान गणपति के दरबार में हाजिरी लगा की है, क्या मनोकामना की? अच्छा परिवार अच्छा चले, सब कुछ अच्छा हो,
अच्छे सरकार बैठे हैं। बिल्कुल हिमांशु, हम देख भी रहे हैं परिवार अच्छा चले, देश तरक्की करे, यही मनोकामनाएं हैं लोगों की और नए साल के लिए, इसलिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। कपिल लगातार उदयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल देखिए, नए साल में नए रेजोल्यूशन लिए जाते हैं और ऐसे में ही लोग भी यहाँ पर नए साल में मंदिर में पहुंच रहे हैं, भगवान के सामने देश की तरक्की और परिवार की तरक्की की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा धीरे धीरे, और भी लोगों का जो पहुंचना है वो शुरू हुआ है। पहले दिन की शुरुआत भगवान गणेश के मंदिर में दर्शन के साथ में लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर नया वर्ष है, लोगों को नई उम्मीदें हैं और यही मनोकामना है कि नववर्ष मंगलकारी हो। जो चुनौतियां इस नववर्ष में आए वो भगवान गणेश सबकी दूर करें। कुछ लोगों से बात करें, आप बताइए नया साल है किस तरह से मेरे देश के लिए प्रार्थना की सबको खुशी मिले, सबको सब प्रगति मिले और सब अच्छा काम करे। देखिए सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी को प्रगति मिले। कुछ और युवा यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। पहले दिन आप यहाँ आए, बढ़िया लग रहा है, साल की शुरुआत है, भगवान के दर्शन करने से हो रही है, और आज मेरा हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग लेने भी जा रहा हूँ, तो साल की शुरुआत हो रही है, आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई आपको ज्वाइनिंग की। तो अब लोग किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के दर्शनों के साथ में करते हैं। अब बताइए आज पहला दिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान की नई ऊर्जा के साथ हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और आने इसी तरह हम पूरे साल मतलब मंदिर अपने आस्था और श्रद्धा के प्रति मतलब रहते हुए फिर अच्छे कार्य करेंगे इसी साल। बिल्कुल, देखिए भगवान के दर्शन करने से एक नई ऊर्जा मिलती है, नए ऊर्जा से यदि नए साल में प्रवेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये वर्ष बेहतर होगा, यही कामना है। और इसी कामना के साथ में उदयपुर वासी भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर भगवान के दर पर मत्था टेक रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, नए साल शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए और शुभकामनाएं देते हैं हमारे बोहरा गणेश मंदिर से लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबका नया साल अच्छा है, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए भी आपके परिवार के लिए। लोग ना सिर्फ अपने लिए यहाँ पर कुछ भगवान से मांगते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो कामनाएं की है वो सभी के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है, पूरे देश के लिए। तो लोग सभी के लिए मंगलकारी साल 2024 हो इसकी मनोकामना करते हुए भगवान गणेश के इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, नया साल है, नया जोश है और नई उम्मीदें हैं, और इसी के साथ मंदिरों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। सांवलदान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सांवलदान, आपके साथ कुछ पर्यटक भी हैं, इनसे बात करिए कैसे 2024 का वेलकम कर रहे हैं, क्या आगे रेजोल्यूशन लिया है कि 24 में हम ये करेंगे। देखिए अल सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग जो 2024 का आगाज़ हुआ उसके साथ ही अपने आराध्य देव के मंदिर में मत्था टेक कर अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं करते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसे है 2024 का वेलकम, क्या क्या कहोगे आप? बहुत ही बढ़िया, और तमाम देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अल सुबह जैसलमेर के अंदर बहुत ही सर्दी है और सुबह सुबह सब लोग अपने अपने आराध्य देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और रात को जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई पर्यटक देश प्रदेश से बाहर से आए, उनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से आए, नववर्ष को मनाने हैं, क्या कहोगे? हमारे साथ और भी पढ़ाई करने हैं, क्या बात, नववर्ष को लेकर क्या कहोगे आप? नववर्ष को लेकर कुछ नहीं कहना, हम सिर्फ पढ़ाई करने आए। हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई नववर्ष है, क्या कहोगे 2024 को लेकर, क्या करना? अरे छोड़, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां भरे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। हमारे साथ और भी युवा है, भाई सावधान पूछिए 24 में क्या करने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं इस 24 से? चारों तरफ से ठंड की मार चल रही है। 2024 में क्या करने वाले हो, 2024 का वेलकम हो गया है, आप अबकी बार क्या थीवरे, क्या उम्मीद करते हैं 2024 में? तो यही है, हम स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर पास कर लो। ठीक है सावलदान, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और इस बीच कपिल का भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल कुछ और